हाय, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लाउड किचन के बारे में। क्लाउड किचन होता क्या है? बस एक किचन होता है, रेस्टोरेंट बैठने की जगह नहीं होती है, दैट्स इट। एक किचन होता है, यूटेंसिल्स रहते हैं और गैस स्टोव रहता है, और वहाँ पे जो भी फूड बनता है वो डिलीवरी होता है, घर पे या ऑफिस में कहीं पे भी। वहाँ पर खाने की सुविधा नहीं होती है। इस बिज़नेस के लिए आपको ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा फर्नीचर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सपेंसिव क्रॉकरी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए एक डिलीवरी करने वाली टीम और हेल्पिंग हैंड, दो काफ़ी हो गए हैं। और आपकी इनोवेटिव आइडिया चाहिए, आप किस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो वो प्रोडक्ट आपका रहेगा, और आप ये क्लाउड किचन बहुत ही सक्सेसफुली रन कर सकते हो और हो रहे हैं रन। लेकिन क्या 100% क्लाउड किचन रन हो रहे हैं सक्सेसफुली? उसका रेशो कैसे है? करीबन 50-55% क्लाउड किचन जो है सिटी में जो शुरू होते हैं वो जल्द से जल्द बंद भी हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्या रीज़न है बंद होने की? स्टडी नहीं किया है, प्लानिंग नहीं है, लैकिंग ऑफ नॉलेज, क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, आपने क्लाउड किचन शुरू करना है या शुरू किया है, या आपका रेस्टोरेंट है उसको कन्वर्ट करना है क्लाउड किचन में, क्या करना है आपको? अगर किया भी है तो फेल क्यों हो रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका बिज़नेस डाउन पे क्यों जा रहा है, आपका प्रोडक्ट तो बढ़िया है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो लैकिंग ऑफ प्लानिंग, लैकिंग ऑफ सिस्टम, इसकी वजह से ही तो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, इसका कुछ चार्ज नहीं है, ये फ्री है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हो रहा है ये? आप तो बहुत एक्सपर्ट हो आपके प्रोडक्ट में, लेकिन क्या लोकेशन सही नहीं है, या फिर प्रोडक्ट सही नहीं है, या आपकी प्लानिंग सही नहीं है, पैकिंग अच्छी नहीं है, 1-2 घंटे के बाद वो आपका जो प्रोडक्ट है, जो फूड का जो भी आप बना रहे हो उसकी टेस्ट नहीं आ रही है, दैट्स वाई कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, बंद क्यों हो रहा है आपका क्लाउड किचन? क्योंकि ये जो है ना क्लाउड किचन जो है ना, अगर आपका सपना रहेगा रेस्टोरेंट का, तो ये शुरुआत क्लाउड किचन से होती है। मैं हूँ एक सक्सेसफुल रिसॉर्ट ओनर, मैंने भी क्लाउड किचन हैंडल किया है, और मैं हूँ होटल कंसल्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड, आप मेरे साथ डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो रेस्टोरेंट की आ रही है या आपके क्लाउड किचन के बारे में हो। लेकिन कंडीशन यही रहेगी, आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन नहीं करोगे, जो भी प्रोसीजर है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप मुझे डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, ऑन फोन, ऑन वीडियो और ऑन फोन, दैट्स इट। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप सही में क्लाउड किचन में या फूड में कुछ करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आप कैसे जा सकते हो उसके साथ। शॉर्ट टर्म का अगर सोच रहे हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है कि चलो 2-3 महीने कर लिया, बस हो गया, अभी बहुत हो गया। पैशन होना चाहिए आपके अंदर, है ना, एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, ये बड़ा लॉकडाउन जब भी ख़त्म हुआ ना लास्ट ईयर, अक्टूबर के बाद रिसॉर्ट सारे शुरू हो गए, होटल सारे शुरू हो गए, मेरे पास क्या हुआ था, मेरे पास कुक नहीं था उस वक्त, क्योंकि जैसे भी ये लॉकडाउन हो गया शुरू, तो करीबन 6 महीने से रिसॉर्ट बंद था, 6-7 महीने से, तो सारे जो थे वो गाँव निकल गए थे। और जब भी रेस्टोरेंट और मेरा रिज़ॉर्ट शुरू हुआ तभी बुकिंग बहुत शुरू हो गई थी, और करीबन 25-28 डेज मेरे पास शेफ़ एक भी नहीं था, ना ही कुक था, और पूरा किचन मैंने हैंडल किया है। आप सोचिए, मैं 6 बजे किचन में आती थी और रात को करीबन मुझे 12-1 बज जाते थे किचन में ही काम करते हुए। तो मैं भी बोल सकती हूँ मैं नहीं कर सकती है, मुझे नहीं आता है। एंड रिसॉर्ट में आप देखिए, उस वक्त जब भी चालू हुआ था रिसॉर्ट, तभी कितना, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे रिसॉर्ट फुल थे उस वक्त, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो आपको ना आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। सो माई डियर फ्रेंड, आपको सही में लगता है आपको कुछ करना है इसी इंडस्ट्री में, इसी क्लाउड किचन में, रेस्टोरेंट में, रिसॉर्ट में, कुछ भी, आप मुझे कॉल सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, या एंड प्रोसीजर वाइज, बट सो थैंक यू वेरी मच, बाय, नमस्ते।